हेलो फ्रेंड्स, मम्मी कुक स्पॉट में आपका स्वागत है। आज मैं ओट्स उपमा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ सामग्रियों की जरूरत है। मैंने 1 कप ओट्स लिए हैं, 1 कप फ्रोजेन मटर लिए हैं, 1 कप रोस्टेड पीनट लिए हैं, कैप्सिकम, टोमेटो एंड ऑनियन को चॉप्ड कर ली हूँ। मैंने फ्राई पैन को गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। थोड़े से चने दाल को डाला है। हरी मिर्च को डालेंगे। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर सभी वेजिटेबल्स को फ्राई करना है 5 मिनट। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालें। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर वेट लॉस करनी है तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है खाने के लिए। अब मैं इसमें 1 कप चॉप्ड टोमेटो डालूंगी। फ्राई करना है। साथ में मैं बटर को भी डालूंगी। इसे मैं ढककर कुक होने दूंगी। गैस के दूसरे फ्लेम में मैं ओट्स को 5 मिनट
रोस्ट कर लूंगी। इधर दूसरे फ्लेम पर हमारी वेजिटेबल्स कुक हो रहे हैं। वेजिटेबल्स हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। सारे मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। पानी का कप 1 कप ओट्स में मैं 2 कप पानी डालने वाली हूँ। इसे ढककर बॉईल करना है। पानी हमारे अच्छी तरह गर्म हो गए हैं। सब्जियां भी हमारी कुक हो गई है। अब मैं इसमें ओट्स डालने वाली हूँ। मैंने रोस्टेड ओट्स को इसमें डाल दिया है। इसे मिक्स करने के बाद फ्राई पैन का लिड में लगा दी हूँ। दो से 3 मिनट मैंने इसे कुक कर लिया है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। हम मैं इसमें थोड़े से धनिया पत्ता को डाला है। रोस्टेड पीनट्स को डाला है। सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमारे ओट्स उपमा खाने के लिए रेडी है। जितना यम्मी ये कुकिंग में दिख रही है उतना ही ये खाने में टेस्टी भी है। अब मैं इसमें लेमन जूस को डाला है 2 टीस्पून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।